मनोहर हटाओ ये सब, आज से मेरे लिए सिर्फ वेज खाना बनेगा। क्यों, पेट ठीक नहीं है क्या सर? अगर तुम्हारा दिमाग ठीक है ना तो जो बोल रहा हूं वो मानो, सिर्फ वेज खाना, समझे? उड़ा के लेके जाओ उसको। खन्ना साहब, आधा दिन तो निकल गया, मैं इंतजार कर रही हूँ। किस बात का चाची? आपने कहा था ना आज आप महक को फूड ट्रक पे लाएंगे। हाँ तो अभी आधा दिन बाकी है ना चाची, शाम का इंतजार करिए। आपको क्या लगा चाची कि आप इतनी जल्दी जीत गए? चाची जीतूंगा तो सिर्फ मैं। तू इस किचन को मंदिर से बढ़कर मानती है ना, इसलिए मैं यहाँ पर तुझसे एक सवाल का जवाब मांगती हूँ। दीदी साफ साफ बोलो ना, क्या हुआ? तू शौर्या से प्यार करती है ना? इसका मतलब हाँ। दीदी ने चाहे जितना भी गलत किया लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो बदल रहा है। लेकिन पीडी, मैं शौर्य को माफ नहीं कर पा रही। मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो सब बताना जो उसने मेरे हम सबके साथ किया। मुझे नहीं मालूम कि मैं शौर्य को कभी माफ कर भी पाऊंगी या नहीं। दिन तो खत्म हो गया शौर्य, बहुत गुरूर था ना तुम्हें कि तुम महक को खींच कर फूड ट्रक पर ले आओगे। मैंने कहा था हार जाओगे। क्या चाची जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना सीरियसली लेती हैं। चाची जी मैं तो मजाक कर रहा था। ज्यादा बनो मत, मुझे पता है जब अपने मन की नहीं कर पाए तो अपने चैलेंज को मजाक में उड़ा रहे हो। चाची जी जिस दिन करना होगा ना मैं कर जाऊंगा और बोलूंगा नहीं। एक दिन आपके नाक के नीचे से ना आपकी बेटी को दुल्हन बना के ले जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ना, प्रॉमिस दिस। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते मनाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप?
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी बात